नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार, डेट है आज 30 और टाइम हुआ है अब 5:15 मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फिर से। और ये देखो मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है अपनी। आज बना रही हूं मैं भिंडी, बने रहिए मेरे साथ। अब मैं सब्जी की तैयारी कर ली है, ये मैं आज जो है भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। सरसों के तेल में ही बनाती हूँ भिंडी की सब्जी। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाली है अजवाइन। भिंडी की सब्जी में अजवाइन डालती हूँ और इसमें मैंने डाली है हींग। उसके बाद प्याज डालती हूँ। मेरी जो है कसूरी मेथी ख़त्म हो रही है, नहीं तो मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ इसके अंदर। वैसे लगभग मैं कसूरी मेथी डालती ही हूँ हर सब्जी में डालती हूँ, ये तो खैर पता ही है आपको। आप भी बनाते हो भिंडी को, स्पेशल तो सब्जी है नहीं जो इसके बारे में ज़्यादा बताया जाए। मैं तो आपको यही दिखा रही हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ, कौन सी सब्जी बना रही हूँ। बस इसमें हल्दी डाली है, रेड चिल्ली डाली है, सूखा धनिया, ज़्यादा मसाले तो मैं डालती नहीं हूँ। अब मैंने भिंडी डाल दी है इसमें। गरम मसाला वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ, मुझे सूट नहीं करता, ये जलन हो जाती है, तो मैं तो इतने ही मसाले यूज करती हूँ जिसे काम चल जाए। बस सिंपल ही सब्जी बनाना पसंद करती हूँ मैं। और हमारे घर में वैसे ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब खाते भी नहीं है। अब मैं इसमें आमचूर डाल दूँगी, ये बस सिंपल ही सब्जी है। और आप मुझे बताना कि आप और कुछ स्पेशल कोई मसाला डालते हो क्या इसमें भिंडी की सब्जी में? मैं तो बस इतना यही मसाले डालती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हो, क्या क्या मसाला और डालते हो ये बताना, क्योंकि और नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। एक दूसरे से यही सीख लेते हैं हम कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, तो थोड़ी ही देर पकने के लिए रख दी थी। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ गली है या नहीं गली है। भिंडी की सब्जी जल्दी ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, ज़्यादा गली हुई भी नहीं अच्छी लगती। अभी थोड़ा टाइम रह रहा है इसमें, एक बार दोबारा और रख देती हूँ इसको मैं। बस अब दोबारा चेक कर लेती हूँ, बनी गई है। बस ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती, बन गई है। अब मैं गैस को, हाँ बन गई है। बस गैस को बंद कर देती हूँ। आ गई हूँ मैं किचन में सफाई करने के लिए। ये बर्तन वगैरह जो मेरे रह रहे हैं, मैंने आपको बताया था अभी टाइम लगेगा मुझे किचन में। इतना काम तो देखो जो रूटीन का काम है, सब्जी रोटी बर्तन कपड़े मशीन में से निकालने डालने, कितने ही काम हो जाते हैं ना ये, मतलब उसके बाद तो आदमी की हिम्मत नहीं होती कि और एक्स्ट्रा काम किया जाए। तो अब ये बर्तन मैंने निकाल लिए हैं और इसमें मैं देख रही हूँ कि जाले लगे हुए हैं। उस टाइम तो हमने ये जो है जिसने वो दवाई डालने के लिए आए थे ऐसे कैसे कि हमारे से तो लग नहीं सकते थे ड्रॉर, तो उन्हीं से लगवा दिए थे। मैंने कहा एक बार तो लगा दो तुम, बाद में फिर मैं अपने आप ये जो है ना निकाल के सफाई कर लूँगी मैं। तो जो ड्रॉर का था वो तो हमने उन्हीं से ही करवा लिया था काम, ये लगवा दिए थे हमने। अब ये सारा सामान निकाल निकाल के ना मैं आराम से कर लूँगी ये सारा साफ। ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें हमारे चावल चीनी तो यूज़ नहीं करते, बूरा वगैरह जैसे होती हैं, ये बड़े बड़े बर्तनों में डालने पड़ते हैं, इकट्ठा ले आते हैं। इसमें मैं देखो बुरा रखती हूँ, इतने बड़े में टिन में इकट्ठे ले आते हैं हम ग्रोसरी का सामान। ऐसे नहीं कि अपना एक एक दो दो किलो, जिस हिसाब से दो हैं उस हिसाब से हम इकट्ठा ले लेते हैं। तब ये बैठ के सारे मुझे ड्रॉर वगैरह ये साफ करने पड़ेंगे। इसमें आटे का टीन है,
ये तो मेरे से नहीं निकाल के निकाला जाएगा, ये मेरे से नहीं निकलता, सर ही निकालते हैं इसको। तो उस दिन जब ये आटा डालते हैं तो सर ही निकाल कर करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये दवाई डाली थी, मैंने उनसे ही ये लगवाने से पहले पूरा साफ़ करवा लिया था। मैंने कहा फिर तो मुश्किल हो जाएगा ये मेरे से निकालना। अब ये बर्तन वगैरह सब धो लिए, सावधानी से धोने पड़ रहे हैं ये सारे कांच के बर्तन, ये बोतल वगैरह सब जो रखी रहती हैं धो लिए। चलो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और आप जो मेरे पुराने मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कमेंट्स लिखकर मुझे जरूर बताएं कि मेरे में क्या कमी है, क्या मैं उसमें सुधार करूं, जरूर कमेंट्स करके बताया करो मुझे। चलो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, बाय।